It's been a week, guys. एक हफ्ते से ना ना खड़ी हैं अब एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है आज एक हफ्ते से नहीं एक्चुअली 10 दिन हो चुके हैं तब से ना ना ऐसी की ऐसी है मैं बस टाइम ही नहीं लग पाया इसको रिपेयर पे लेके जाने के लिए बट आज मैं जा रहा हूँ फाइनली एंड अभी स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है एक बार मैंने बीच में स्टार्ट किया था ऐसा तो वापस से नीचे जहाँ से कूलेंट लीक हो रहा था वही हो रहा है क्या बताऊँ यार इतने सालों के बाद नैनो में ऐसी प्रॉब्लम आई है ना तो बहुत ज़्यादा पेनफुल है मेरे लिए मतलब आज तक कुछ नहीं हुआ गाइस आज तक कुछ नहीं हुआ बैटरी ख़राब हुई है टायर ख़राब हुए हैं वो तो चलो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हुई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी तो एक बार ये काम करते हैं कवर हटाता हूँ एंड एक बार स्टार्ट करके देखते हैं नीचे क्या हाल है एंड चलते हैं फिर मैकेनिक के पास बेसिकली उन्हीं के पास जा रहा हूँ मोनू भैया के पास जिसने मैंने पुंटो का क्लच करवाया था अगर आप लोगों ने वो स्टोरी नहीं देखी तो पुंटो की पूरी क्लच स्टोरी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ तो आप चेकआउट कर लेना एंड सारा काम मैं यूजुअली उनसे ही करवाता हूँ सो करते हैं स्टार्ट ज़रा कार स्टार्ट तो आराम से हो जाती है अभी बाहर चल के एक बार चेकआउट करते हैं कि कुछ लीक वीक हो रहा है क्या तो मुझे लग रहा है कि हो रहा है अभी फिलहाल तो गाइस कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे मे बी बिकॉज गाड़ी काफ़ी दिनों से खड़ी हुई है एक बारी अंदर देखते हैं अंदर यहाँ से भी कुछ खास पता नहीं चल रहा है वैसा का वैसा ही लग रहा है सो एक काम करते हैं एक बारी कूलेंट चेक करते हैं आई मीन इसके अंदर उस दिन पानी भरा था लेट्स सी कितना है कितना नहीं पता चले है ही नहीं कुछ थोड़ा ही ड्रॉप हुआ है बाकी ये भी है तो सही है इसके अंदर लेट्स सी क्या होता है ओ देखो गाइस लीक तो हो रहा है तो फटाफट आराम आराम से चलते हैं जरा सीडी ब्लॉक एंड चेकअप करवाते हैं नैनो का आज तो पीछे का कवर खोल के चला रहा था तो इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है जैसे आपको पता ही है जस्ट ये कवर रखने से इतना फ़र्क पड़ जाता है आवाज़ में क्या ही बताऊँ मैं तो आराम आराम से जा रहा हूँ क्योंकि कूलेंट लीक हो रहा है नीचे एंड ज़्यादा पता नहीं कितनी देर चलता है वो भाई साहब पहली बार हो रहा है यार हालत ख़राब है मेरी नैनो को वैसे भी कुछ होता ना तो फील होता है यार पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है मेरे साथ शायद आप सबके साथ भी हो पर मेरे साथ तो ये डेफिनेटली है फील होता है यार सो आज इसको मैं बिल्कुल ठीक करवा दूँगा एंड आपके साथ मैं पूरी डिटेल हो सकता है मल्टीपल वीडियोस में शेयर करूँ बट बताऊँगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है इसे आज का वीडियो हो सकता है कि इसमें टेस्टिंग करके जो भी पार्ट फेलियर है वो बताऊँगा देन फिर पार्ट लेके आएंगे इसका और कितने का आता है वो सब चीज़ें देन फिर आपके लिए रहेगा पूरा उसका प्रॉपर इंस्टॉल सेंटर वाले पार्ट से लीक हो रहा है इसका काफी ना कहाँ से यहाँ पे बीच में से नीचे से देखोगे ना वहाँ से लीक होते हुए दिख जाता है ओवरहीट हो गई थी सारा कुछ निकल गया था इसका कुछ भी नहीं बचा था ना रेडिएटर में ना उसके अंदर ओवरहीट का सायरन बज गया था गाड़ी बंद हो गई थी फिर पानी डाला इसमें थोड़ी देर बाद फिर घर लेके आया बड़ी मुश्किल ऑयल में मिक्स ना हो गया वो बस पानी पूरा हाँ लीक हो रहा है नीचे अभी देखो अभी भी उड़ा होगा हेलो जी नैनो आ गई है उसी स्पॉट पर जहाँ पे पुंटो का काम हुआ था आई होप सो एकदम ओके हो जाए आज मज़ा आ जाएगा सबसे पहली बारी हमेशा ही आती है गाइस इस पर्टिकुलर बैक कवर की एंड इसके अंदर गाइस दो बोल्ट एंड दो नट्स लगे होते हैं तो बड़ा ही सिंपल ऐसे खोलना बट एक बंदा बाहर चाहिए सपोर्ट के लिए तो जैसे ही गाइस खुल गया तो इसको बस निकाला एंड कुछ पहले एक्सेसरीज लगाई थी शायद आप लोगों को याद होगा तो उसकी कुछ वायरिंग थी यहाँ पे ये वाली वायरिंग मैंने सारी हटवा दी है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेसरी में यूज़ ही नहीं कर रहा बैटरी का इशू हो गया था वो आपको पता होगा तो ये आ गया जी इंजन एंड अब इसको जैकअप करेंगे क्योंकि ये वाला टायर भी हटना है अभी एंड ये सारा जो ये टाइमिंग बेल्ट का सामान अल्टरनेटर नीचे बेल्ट सारा कुछ गाइस खोला जाएगा सारा कुछ देख के कुछ हो रहा था मुझे लिटरली नैनो को इतनी सारी चीज़ें जब खुल रही थी ये लो जी टायर का नंबर आ गया एंड ऊपर टाइम बेल्ट का कवर खोलना स्टार्ट कर दिया लेकिन उससे पहले ऑल्टरनेटर की बेल्ट एसी की बेल्ट एंड उसके साथ कुछ और चीज़ें हैं तब जाके हम टाइमिंग बेल्ट तक पहुँचेंगे एंड ये जो सिस्टम था जो प्रॉब्लम थी वो उसके भी पीछे थी या गाइस उसके भी पीछे अभी देखते जाओ बहुत कुछ हो रहा है नैनो के साथ सो ये आगे जी बेल्ट का नंबर एंड यहाँ से इसको खोलते हुए ये पर्टिकुलर स्पॉट यहाँ पर ऑल्टरनेटर का एंड इसके बाद देखते हैं और क्या होगा काम चल रहा है गाइस काफ़ी सारी चीज़ें खोल डाली है नीचे बेसिकली टाइमिंग बेल्ट का कवर भी खोलना पड़ेगा वहीं पे कहीं वाटर पंप है तो उसे चेक करना है कि कोई इशू है इसमें नहीं है कुछ और है तो वहीं उसी पर्टिकुलर एरिया से ही पानी यू नो लीक हो रहा है सो खुलता है तो मैं दिखाता हूँ आप सबको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा नैनो को ऐसे देखता हूँ ना यार बड़ा अजीब फील होता है
ये गाइस नैनो का टाइमिंग बेल्ट का कवर जो कि खुल चुका है साइड में, एंड यहाँ पे आपको दिखेगी टाइमिंग बेल्ट। बेल्ट में ऑयल नहीं होता? नहीं नहीं, चेन तो डूबी होती है ना, जैसे चेन जिसमें वो चेन अलग होती है, इसमें यहाँ से ये निकल के हटेगा, उसके बाद इसके अंदर दिखेगा बेल्ट। ठीक है, नहीं तो चल जाएगी। अब गाइस बारी है हेड के कवर को खोलने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो कैमशाफ्ट है उसको लॉक करना पड़ता है टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग का सामान कुछ खोलने फोलने के लिए। तो ये नैनो का छोटा सा कैमशाफ्ट यहाँ पे आपको दिखते हुए, एंड जो अब यह चीज़ है यहाँ पे इसकी टाइमिंग मिलती है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक चाबी फंसेगी, तो इसकी टाइमिंग साइड वाला नैनो के जेक्टर। कैमशाफ्ट को लॉक करने के बाद बड़े आराम आराम से ये जो टाइमिंग बेल्ट है ये मैकेनिक भाई ने उतार दी यहाँ से, एंड उसके साथ जो उसके गियर्स लगे हुए थे काफ़ी सारे बड़े बड़े, तो उनको भी उतार के साइड में रखा, क्योंकि जो पीछे का कवर है वो भी खास उतारना है एक्सेस करने के लिए वाटर पम्प या उसकी कूलिंग की चीज़ें, ये सारे कुछ उतार दिया। एंड अब गाइस खुल रहा है यहाँ पे जो बैक कवर है टाइमिंग बेल्ट का, सो काफ़ी मतलब टीडियस प्रोसेस है। एंड यहाँ पे ये भी खुल गया, एंड अब इंजन ऐसा लगता है कि आधा आधे साइज का हो गया है यहाँ पर। सो ये कवर प्लास्टिक के हैं एंड अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, सच कोई इतना इसमें दिक्कत आने नहीं वाली कभी भी। बस ये नैनो की एल्बो, एंड यहाँ पे एक होल है छोटा सा माइनर सा, उस वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा, एंड ये वहाँ कहीं पीछे लगती है। तो एक बार बताना कहाँ पे है इसका, यहाँ पे ठीक है सेंटर में गाइस बिल्कुल नोटिस करो आपको माइनर सा होल दिखेगा यहाँ पे, उसी ने सारा काम खराब किया है। एंड अब ये आ गई गाइस ब्रांड न्यू थर्मोस्टार्ट कवर ए के द एल्बो। एंड अभी कहाँ से आई है गाइस ये मैं आपको स्टैंड अलोन वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा, एंड कंपेयर करें जैसे अगर ओरिजिनल के साथ तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसके अंदर, बट चलो अब लगाना तो है ही ना। अब बेसिकली गाइस जो जो खोला था वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर सब कुछ बंद कर देना है। सबसे पहले जो टाइमिंग बेल्ट का जो कवर था पीछे वाला, देन इसके ऊपर गेयर्स, देन सब कुछ लगाने के बाद उसकी पूरी की पूरी फिटमेंट, एंड फिर जो भी नीचे की चीज़ें हैं सब कुछ ऊपर का, अभी हेड का कवर, एंड हेड का कवर का डायरेक्टली जस्ट ऐसे उठा के ऐसे ही नहीं रख दिया, एंड नया एल्बो भी लग चुकी है। इसको पहले जो जहाँ पे जॉइंट बैठना है उसको पहले क्लीन किया गया अच्छी तरीके से, जैसे कि देख रहे हो आप अभी यहाँ पे मैकेनिक कर रहे हैं, एंड उसके बाद जो दूसरी साइड का कवर है उसको भी क्लीन किया अच्छी तरीके से, एंड उसके ऊपर गाइस ये कुछ सॉल्यूशन या पता नहीं आई थिंक ये एना बॉन्ड है या जो भी है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट ये इसको अच्छी तरह से अप्लाई किया है यहाँ पर, एंड उसके बाद ही इसको तरीके से आराम से प्रिसाइसली कवर को लगाया, जिससे कि चेक वेक किया अच्छी तरीके से, एंड उसके बाद बोल्ट उठाए एंड एक एक करके बोल्ट्स को लगाना स्टार्ट किया। सो काफ़ी अच्छा प्रोसेस यहाँ पे किया इन लोगों ने। रेडिएटर में टेम्पररी पानी भरा है जिससे कि लीक टेस्ट किया जा सके, बाद में गाइस मैं कूलेंट का भरने का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। एक बार एक गाड़ी को स्टार्ट करना है, थोड़ा आइडल होने देते हैं। ये हो गई जी गाड़ी स्टार्ट, एंड हम जरा नीचे देखा जाए, न्यूट्रल पे है गाड़ी तब भी देखो व्हील घूमते हैं। ऊपर तो गाइस कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही यहाँ पे, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, एंड नीचे भी आप देख रहे हो तो कुछ नहीं है। एंड ये जो आप ड्रॉपलेट देख रहे हो ये जो रेडिएटर में भी पानी भरा था ना रेडिएटर में वहाँ से आया, और जहाँ पे लीक है वहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा। एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल हेयर, एंड कोई इशू नहीं है कहीं पर भी। आइडल की आवाज़ भी आप सुन सकते हो। अब व्हील भी वापस जोड़ने का टाइम आ चुका है फाइनली, एंड ये न्यूट्रल पे देखो कैसे घूम रहा है, न्यूट्रल पे गाड़ी, न्यूट्रल पे। गाड़ी वेट पे खड़ी होती है ना जब, तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जब खुला तो चलेगा। ऑल डन।
फाइनली गाइस सारा दिन स्पेंड हो गया बट फाइनली काम खत्म हो चुका है एंड अब मैं निकल पड़ा हूँ घर के लिए एंड बस एवरीथिंग सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक हल्की सी चीयूं करके आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो कि वो आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। सो कह तो रहे थे मैकेनिक कि हो जाएगी ठीक, थोड़े से टाइम गाड़ी चलेगी ना तो ठीक हो जाएगी। अभी आप शायद सुनने की कोशिश करो भाई ना कुछ आवाज़, अब यार मुझे नहीं लगता फ़ोन का माइक पिक कर पाएगा, सुना है कुछ तो वही है एक प्रॉब्लम बस, बाकी एवरीथिंग इज नाइस, लीकेज नहीं हो रही मेन बात भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन थी लीकेज की अब लीकेज वीकेज सब खत्म हो चुकी है। एंड इसके गाइस मैं अपडेट आपको कुछ 500,000 किलोमीटर यूज करने के बाद देता हूँ। एंड अभी गाइस गाड़ी चली है 13,973 एज पर दिस मीटर, एक मीटर पहले था वो उसमें था 23,304 तो टोटल थोड़ा ज़्यादा है बट वैसे इस मीटर के हिसाब से 13,973। और अभी आइडल पे भी एक आवाज़ आ रही है करके, वो शायद बेल्ट की है वापस, क्योंकि सारी बेल्टें वापस उतार के लगी हैं, वो भी कह रहे थे कि थोड़े रॉन्ग होंगे तो ठीक हो जाएगी, उन्होंने ग्रीस वगैरह भी लगा दिया था। तो एवरीथिंग इज नाइस, बाकी गाड़ी चलने में एकदम मक्खन है, नो इश्यूज व्हाटसोएवर, कोई भी इशू यहाँ पे फेस नहीं कर रहा मैं। सो गाइस आपको टोटल कॉस्ट भी बता देता हूँ गाइस, 200 रुपये का पार्ट था जो हमारा एल्बो डली है, 200 रुपये का वो एंड 700 रुपीज लेबर। इसके अलावा बस आपको पार्ट प्रोक्योर करना है और वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर, तो बस यही कॉस्ट लगी है। एंड गाड़ी ओके हो गई, बस थोड़ी सी आवाज़ें इधर उधर की आ रही हैं तो वो भी शायद थोड़ी चलेगी, गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, इसका मैं अपडेट आपको देता हूँ। सो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस, बहुत लंबा हो चुका है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड नैनो फैंस आपके लिए तो एक और कंटेंट है एंड नैनो एकदम ओके हो गई है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। सो अपनी शक्ल दिखाई देता हूँ यार, ये इंडिकेटर के बल्ब फ्यूज हो गए हैं मेरे, चलो इंडिकेटर भी बदलेंगे किसी दिन, लेफ्ट साइड का एक प्रॉब्लम, बहुत थकान हो जाती है ऐसे कामों में। सो चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन एंड डू व्हाटएवर यू वांट एंड एंजॉय करो सब कुछ करो ठीक है, चलो बाय।